वेलकम बैक टू किड्स डिस्कवरी लैंड और मैं हूँ ललिता मन्हास। आज हम बात करेंगे प्री राइटिंग स्किल्स की। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए। और उसके बाद बारी आती है प्री राइटिंग स्किल्स की, यानी कि बच्चे को प्रॉपर लिखना सिखाने से पहले हमें उसे किस तरह से लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे बहुत नकलची होते हैं, वो जो हम करते हैं वही काम वो करना चाहते हैं। तो उन्हें फोर्स ना करके हम उनको इनकरेज कर सकते हैं कि हम उनके सामने खुद कुछ लिखना शुरू कर दें, सिर्फ उनको दिखाने के लिए। तो बच्चा खुद ब खुद ज़िद करेगा कि मैं भी लिखूँगा। अगर हम उसे फोर्स करेंगे, बोलेंगे लिखो, ऐसे करो, यहाँ लिखो, तो बच्चा हो सकता है ना लिखे। तो जब वो खुद इंटरेस्ट शो करेगा तो आप उसको पेपर और कोई कलर दे सकते हैं इस तरह से, या फिर मार्कर्स दे सकते हैं, और उसको वो लिखेगा क्या, वो तो सिर्फ लाइनें ही लगाएगा इस तरह से, टेढ़ी आड़ी तिरछी कुछ भी। लेकिन उसे जो भी वो करता है उसे करने दीजिए, और डिफरेंट कलर से करेगा तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सबसे पहले उसको स्क्रिबल करने दीजिए इसी तरह से, इस तरह से, और उसके सामने हर तरह की चीज रख दीजिए, जैसे स्केच पेन है, क्रेयॉन्स हैं, क्रेयॉन्स ऐसे मोटे वाले हों, जैसे ये ऑयल पेस्टल है तो इसका कलर डार्क आता है और ये आसानी से टूटते भी नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए जो थोड़े मोटे होते हैं। और इस तरह से मार्कर्स भी आते हैं, मार्कर्स से बेटर तो मेरे को यही लगते हैं। आप इस तरह से क्रेयॉन्स दे दीजिए तो वो इससे एक तो कलर्स डिफरेंट कलर से लिखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो करता है तो हो सकता है वो आपका टाइम ज़्यादा ले। कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है हफ्ते के लिए करें, या कुछ एक महीने के लिए भी कर सकते हैं, या कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं, तो घबराइए मत, उसे करने दीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा क्या लिख रहा है, ये तो पेपर वेस्ट कर रहा है। नहीं, उल्टा उसे कोई भी ड्राइंग पैड ला दीजिए इस तरह से, ड्राइंग पैड्स मिलते हैं, इनके पेपर्स थोड़े मोटे होते हैं तो फाड़ेगा भी नहीं बच्चा, और उसका हाथ भी अच्छा चलेगा। या फिर कोई पुरानी कॉपी है आपके पास वो ले लीजिए, या डायरी हो वो ले लीजिए, कुछ भी दीजिए और उसे लिखने दीजिए। आप उसके सामने जो चीज़ें रखेंगे लिखने के लिए उसको अपने आप पता चलेगा, जो उसको पसंद आएगी वो वही लेके खुद ब खुद उसी से लिखेगा, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जब वो करना इस तरह से सीख जाए तो हमें उसका फिर थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करना सिखाना चाहिए उसे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, या शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सर्कल, और अब वो इसके अंदर स्क्रिबलिंग करेगा। ठीक से तो भरेगा नहीं, शुरू में उसका हाथ बाहर भी जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपने उसको समझाना है कि हमने ये जो सर्कल बनाया है इसके अंदर अंदर ही आपने रखना है, तो वो धीरे धीरे अपने हाथ पे कंट्रोल करने लगेगा और उसको समझ आ जाएगी कि मुझे सर्कल से बाहर नहीं लेके जाना है, या कोई भी शेप आपने जो बनाई है उसके बाहर नहीं कलर लेके जाना है, अंदर ही अंदर करना चाहिए। तो इससे उसका जो हाथ है लिखने में वो भी कंट्रोल हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि मुझे लिखते लिखते कहाँ रुकना है। और इसका एक फ़ायदा और होगा, जैसे आप शेप कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे कलर द सर्कल, तो कलर द सर्कल बोलोगे तो वो कलर करेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये सर्कल है। और आप रेड कलर, अगर वो रेड कलर कर रहा है तो उसे ये भी बताइए कि आप कौन से कलर से कर रहे हो, या कलर द ट्रायंगल ब्लू, तो वो ब्लू, उसको पता लग जाएगा ये कलर ब्लू है। तो इसी तरह से शेप्स और कलर्स भी वो सीख जाएगा और हाथ का कंट्रोल भी उसका अच्छा हो जाएगा। शेप्स के साथ साथ आप उन्हें कुछ भी और भी ड्रॉ करके दे सकते हैं, जैसे अगर उसको आपने लीफ बना दिया है, लीफ बना के दिया है उसको, बोलो कलर द लीफ, तो वो लीफ में कलर करेगा। तो आप जब उससे कलर करवाओगे तो आप ग्रीन कलर करवाओगे तो उसे पता लगेगा कि पत्ते का रंग ग्रीन होता है और पत्ते को लीफ कहते हैं। इसी तरह से वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हो एप्पल बना के देते हो तो आप बोलेंगे कलर द एप्पल,
और एप्पल का कलर क्या होता है? रेड। तो उसको पता चलेगा कि मैं ये एप्पल है, उसकी शेप भी पता चलेगी एप्पल की, और उसमें कौन सा कलर भरना है उसने वो भी पता चलेगा। इस तरह से भी बच्चे का राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका कलर्स में, शेप्स में नॉलेज भी बढ़ेगा। इस तरह से जब बच्चा आपका काफी प्रैक्टिस कर ले, तो आप मार्केट में एक्टिविटी बुक्स मिलती हैं, वो लेके आ सकते हैं उनके लिए, जिसमें उनको डॉटेड पिक्चर्स दी होती हैं, जिनको ज्वाइन करके फिर उनको कलर्स करना होता है, जहाँ लाइंस होती हैं, उस तरह की एक्टिविटी बुक्स भी आप उनको दिला सकते हैं, या फिर कलरिंग बुक्स मार्केट में मिलती हैं इस तरह की, ये भी आप लेके दे सकते हैं। इसमें भी बच्चा, क्योंकि एक ही तरह से आप अगर पेपर में ड्रॉ कर करके देंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाएगा। इस तरह से मार्केट से बुक्स लाएंगे और इसको कलर करने के लिए देंगे। देखिए सर्कल है, कलर दिस सर्कल विद ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर का भी उसे पता लगेगा और शेप का भी पता लगेगा कि ये सर्कल है। इसी तरह से जब वो करेगा तो उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा करने में और इसकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी होती चली जाएगी। आप बच्चे को कोई डॉट्स डाल के भी दे सकते हो, धीरे धीरे उसका जैसे जैसे ग्रिप अच्छा होता चला जाएगा, तो छोटे छोटे, बहुत बड़ा बड़ा नहीं ड्रॉ करिए। जैसे ये छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो उसको ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोलिए 3 डॉट्स के ऊपर, तो वो इस तरह से कोशिश करेगा, टेढ़ा फेढ़ा भी डालेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसे फिर कलर करने के लिए बोलिए, वो खुश होके करेगा, क्योंकि थोड़ा एक्टिविटी चेंज हो गई है। स्क्वायर बनाने के लिए ज्वाइन द डॉट्स एंड मेक अ स्क्वायर एंड कलर इट ब्लू। इस तरह से खेल खेल में हमें बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ये नहीं है कि हम बड़ों की तरह उसको डांट के कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बच्चों जैसे बच्चों के साथ रहेंगे तो वो खुश होकर सीखेंगे और आपके साथ पढ़ना भी चाहेंगे। अक्सर हमने देखा है कि बच्चा शुरू में बहुत लाइट लिखता है, उनको अगर कुछ लिखने के लिए बोलो इतना लाइट लिखेगा कि वो दिखेगा भी नहीं। उसका कारण यही है कि उसके हाथ में ग्रिप नहीं है, उसको पेंसिल कैसे पकड़नी है, और उसमें क्योंकि उसकी मसल स्ट्रांग नहीं है इसीलिए वो वैसे लिखता है। तो इसीलिए ये सब एक्टिविटीज करवाना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक्टिविटीज़ हो जाएं और आपको लगे कि अब आपका बच्चा लिखने के लिए तैयार है, तो लिखने से पहले फिर वही हम करेंगे, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स, और इस तरह से कर्व्स, बाकी जितनी भी लाइन्स हैं वो जिनसे हमें फिर बाद में उनको अल्फाबेट सिखाने हैं, वो सारी लाइन्स आप बाद में सिखाएंगे। उससे पहले हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे उनके साथ, और धीरे धीरे उनकी मसल कंट्रोल जब हो जाएंगी, फिंगर्स की ग्रिप ठीक हो जाएगा, तो फिर उसे हम लिखना सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन्स या स्लीपिंग लाइन्स, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।